हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी पूरा जगाधरी, मतलब जिस शहर में मैं रहती हूँ, मैं आपको पूरा दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, क्या क्या नहीं। और बने रहिएगा मेरी वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। जो फेमस चीज़ें हैं मैं आपको वो दिखाऊँगी, मतलब जब भी आप आए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये चीज़ वहाँ मिलेगी, ये चीज़ वहाँ मिलेगी। और मैं पहली बात ये बता दूं कि हमारा शहर जगाधरी बर्तन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब जगाधरी में बर्तन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, मतलब इसी चीज़ से ही फेमस है। बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, तो इस चीज़ से ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर लोग, मतलब जैसे सहारनपुर के लोग हो गए, यूपी के लोग हो गए, तो वो यहाँ पर कपड़े वगैरह लेके आते हैं और बेचने के लिए लेके आते हैं, मतलब। तो और मतलब जैसे कपाल मोचन का मेला हो गया वहाँ से, मतलब कपाल मोचन का मेला लगता है ना, तो यहाँ पे भी मेला लगता है इस चीज़ का, बर्तन का। तो पंजाब से, अमृतसर से, बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, विज़िट करते हैं बर्तन के लिए। तो जैसे जैसे भी अगर आप सब बाहर से हों, तो अगर आपने भी आप जैसे जगाधरी में आना चाहते होंगे, तो आपको मैं ये चीज़ क्लियर करवा दूँगी इस वीडियो में कि क्या चीज़ कहाँ से मिलेगा और ये रास्ता कहाँ को जा रहा है और कौन से चौक पे मिलेगा। मैं आपको सारी जगह के नाम अच्छे से डिफाइन कर दूँगी इस वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा आप मेरी वीडियो में और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर जो किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं उसको अच्छे से क्लियर कर सकूँ। तो चलिए, और मैं आज आपको घुमाती हूँ अपने जगाधरी शहर में। तो गाइस, आप सब देख सकते हो कि मैं इस टाइम जगाधरी बस स्टैंड के चौक पर पहुंच चुकी हूं, और इस चौक का नाम है डॉक्टर राव अंबेडकर चौक। आप देख सकते हो कि जो इधर की साइड, मेरे लेफ्ट साइड जो रोड जा रहा है, ये जा रहा है यमुनानगर बस स्टैंड की तरफ, यमुनानगर की तरफ जा रहा है। और जो ये बिल्कुल सीधा रोड जा रहा है, ये जा रहा है अम्बाला की तरफ। ये बीच में देखो, ये चौक है और एक ये जा रहा है दूसरी तरफ, इसका मैं बताऊँगी मैं आपको। और अगर जो आपने जगाधरी के मेन बाज़ार में जाना है, तो मैं आपको रोड टू रोड ही लेके जाऊंगी, मतलब क्योंकि जाती तो यहाँ पे गलियाँ भी हैं, लेकिन मैं आपको वहाँ से नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि आप सब आने में पजल हो जाओगे जो भी मार्केट में आना चाहता है, ठीक है। तो मैं आपको रोड टू रोड लेके जाऊंगी, तो मैं आपको अब लेके चलती हूँ मेन बाज़ार में। तो गाइस, आप सब देख सकते हैं, यमुनानगर बस स्टैंड इधर से 5 किलोमीटर दूर है, और इधर लिखा हुआ है बिल्कुल सीधा जाते हुए अम्बाला, ये 52 किलोमीटर दूर है। और गाइस, आप देख सकते हो, ये है जगाधरी बस स्टैंड का, जो अम्बाला की तरफ जाता है ना रोड, वो जा रहा है इधर। ये अम्बाला की, सारी अम्बाला की बसें जा रही है, और इधर ही आपको ये पेट्रोल पंप मिल जाएगा। इधर पेट्रोल पंप है और इधर ये बस स्टैंड है, एक उधर दूसरी तरफ है गेट, और एक ये है, यहाँ पे पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा। और अब ले चलते हैं आपको मेन बाज़ार की तरफ। वैसे जो यही बस स्टैंड है ना, अगर आप इधर से आते हैं, तो इधर बिल्कुल सामने ही एक गली आपको दिखती है, ये जो गली दिख रही है ना, ये यहाँ पे है, इसके पास में गली है, और ये मेडिकल स्टोर है, इसके साथ में जो गली जा रही है, बस इसके से ना बिल्कुल सीधा सीधा चलता है, तो हमारा बाजार निकल जाएगा, मतलब जगाधरी बाजार आ जाएगा। लेकिन आपको पजल ना हो जाए, तो मैं आपको ऑन दी रोड लेके चलूँगा। तो गाइस, देखो पेट्रोल पंप है ना, पेट्रोल पंप से मतलब आप इधर बिल्कुल सीधा अम्बाला की तरफ ही चलेंगे, बिल्कुल सीधा, और मैं आपको ऑन दी रोड लेके जाऊँगी मार्केट के अंदर। तो बस बिल्कुल सीधा चलते रहना है। दिख जाएगा जिला विभाग, ये जो बिल्डिंग है इसके ही बिल्कुल सामने की तरफ ये रोड जा रहा है। मैं इसके ये भी दिखा दूँगी, देखो ये लिखा हुआ है ना, सिविल हॉस्पिटल जगाधरी, इधर की तरफ ही आपने टर्न होना है। तो इधर से ध्यान से क्रॉस करनी है आपको सड़क, क्योंकि इधर से आ रही है कार, पहले इनको जाने दो और फिर अपने आप टर्न होना है। देखो जैसे ये महानदी उधर से गया नहीं, इन्हें पहले टर्न करनी। तो इधर से रोड खाली है, तो मैं चलती हूँ। इस रोड को पुरानी कचहरी बोला जाता है, इधर एक मतलब इधर राइटर्स है, देखो ये बैठे हुए हैं इधर, ये अपनी जानकारी है बोलकर में मतलब आप बिल्कुल से सीधा चलते रहेंगे। मैं आपको ऑन दी रोड लेके जा रही हूँ, ज़्यादा लंबा मत समझिएगा, क्योंकि अगर आप कार वगैरह में आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाजार में जाने में। गलियों वगैरह में चलेकर जाती तो आपको दिक्कत होती, क्योंकि वहाँ तो कार ही नहीं आ पाती, एक बाइक ही बहुत मुश्किल से निकलती है। इधर PWD रेस्ट हाउस है, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या होता होगा, देखो जी बाकी है जो है। और इधर है ये जगाधरी क्लब, यहाँ पर मैं कराटे सीख रही थी, मैंने बिल्कुल सीधा जगाधरी क्लब है, मतलब ये जगाधरी क्लब है, इधर मैं कराटे सीख रही थी।
और इधर मतलब केक्स वगैरह होती हैं, ये सारे आपको शॉप वगैरह मिलेगी। जैसे पार्टी फूड डिस्ट्रिक्ट हो गया, कपड़े की शॉप वगैरह ही है इधर। और इधर ये इसको बोलते हैं पानी की टंकी, यहाँ देखो पानी की टंकी, इस जगह को पानी की टंकी बोला जाता है अगर कुछ भी बोले तो, ये वगैरह वगैरह ऐसे, ठीक है। और इधर आ जाता है अपना, ये अपना बाजार स्टार्ट हो जाता है, जगाधरी का बाजार स्टार्ट हो जाता है। इधर आ जाएगा ये हंगरी, ये जगाधरी, ये जगाधरी का हंगरी जाता है। देखो बैठे खाने पीने का नियर का सेलिब्रेशन भी किया हुआ इधर। गाइस ये है सेंट थॉमस स्कूल अपना, इधर चर्च भी है, ये देखो एक चर्च है इधर। और इधर ये क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग रोल्स वगैरह, मोमोस वगैरह और सोयाबीन की चाप वगैरह, ये सब इधर काफ़ी टेस्टी मिलती है। मतलब इनकी सारी जगह अच्छी है पर हम काफ़ी जगह इधर से ही खा लेते हैं। और ये है हनुमान जी का मंदिर, ऐसे निकल गए थे, ऐसे ही देख रहे हैं, सीधा बिल्कुल, ठीक है। और ये सब मार्केट, इधर है सिटी हार्ट, देखो इधर फंक्शंस वगैरह होते हैं, सिटी हार्ट है इधर, ठीक है। और बिल्कुल सीधा चलते रहेंगे, ये ग्रिल मास्टर्स है जैसे। और इधर दादा रोड है, इधर ये दादा रोड है लेकिन ये बंद हो गई है, अंकुर हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल भी काफ़ी मिलेंगे मतलब एमरजेंसी के लिए। और इधर बेकरीज वगैरह है। और इधर आ जाता है अपना ये बैंक वगैरह आ जाएंगे इधर, इधर ये विजय बैंक है जो कि काफ़ी फेमस है अपने जगाधरी में। और इधर है इधर अपना ये मार्केट ही आपने, हम आपको बिल्कुल ही मतलब ऑन दी रोड लेके जा रहे हैं ताकि आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। और इधर आ जाएगा ये विशाल मेगा मार्ट, ये विशाल मेगा मार्ट है इधर। और अब हम जा रहे हैं झंडे चौक की तरफ, इधर आ जाएगा सैनी बर्गर, पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, हमें मोमोज खा रहे थे, बैठे हैं यहाँ मेरी फ्रेंड और मैं। और ये आ जाएगा झंडा चौक, इसको बोलते हैं झंडा चौक। और तो गाइस देखो ये आ जाएगा झंडा चौक अपना, और ये है इधर नगर निगम, तो ये है यहाँ पे झंडा चौक पे बिल्कुल सामने। इधर है काफ़ी बड़ी मंडी है, यहाँ पे सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह सब मिलते हैं। और आपको ले चलते हैं, आप पूरा बाजार दिखाते हैं इसका, फ्रूट्स वगैरह आपको, ठीक है। इधर पार्लर भी हो जाएगा, इधर कन्हैया डायरी है, ये भी काफ़ी फेमस है जगह में। यहाँ पे सारी सब्जियाँ मिलेगी, वो भी ताज़ी ताज़ी मिलेंगी, देखो सब्जियाँ हम तो यही करेंगे सब्जियाँ। झंडा चौक है सब्जियों के लिए फेमस ज़्यादातर। और हमने आपको ले जाने वाली हूँ खेड़ा बाजार में, जो कि बर्तनों के लिए फेमस है। देखो यहाँ पे काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, जो कि अब तोड़ फोड़ के कुछ कुछ बनाया जाएगा यहाँ पे। और यह है इधर पार्लर वगैरह, ये सब मिल जाते हैं। अब यहाँ से ही शुरू होने वाला है ये बर्तनों का बाजार। ये देखो यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ पे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग आपको मिलेगी, अब ये तोड़ी जा रही है, बंदर भी बहुत ज़्यादा है। कैमरा इसलिए हिल रहा क्योंकि यहाँ स्टॉपर भी लगे हुए हैं। देखो काफ़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे, ये सब देखो सारी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। गाइज आप ये देख रहे होंगे राजा परिवार की है, मतलब ये संपत्ति जो है राजा परिवार की है। इतने पुराने पुराने जो घर हैं, मतलब इसको कोई नहीं ले सकता, ये नगर निगम के अंडर में आ चुके हैं मेरे हिसाब से तो। और इधर ही आ जाता है ये शकुंभरी माता का मंदिर, ये घर का काम है वो करे। देखो शकुंभरी माता का मंदिर आ जाता है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ खेड़े बाजार की तरफ, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी मिलेंगे और बर्तन भी मिलेंगे। और अगर आप संडे को आओ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बाहर से आते हैं लोग, जैसे यहाँ से यूपी वगैरह से, सहारनपुर से यहाँ पे कपड़ा बेचने के लिए आते हैं। और इधर सारी ये मिलेंगे आपको कपड़े की शॉप्स वगैरह मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा कपड़ा है हमारे यहाँ जगाधरी में। खेड़ा बाबा मंदिर का मंदिर मैं आपको ये भी अच्छे से दिखाऊंगी अभी। हमारे जगाधरी का खेड़ा है देखो, ये हैप्पी न्यू ईयर पे मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हैप्पी न्यू ईयर पे बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं,
पे काफी सुंदर सजाया हुआ है न्यू ईयर पे। और यहाँ पे माला वगैरह की दुकानें होती हैं और इधर सारा ये कपड़े की दुकानें हैं, आप सब देख पा रहे होंगे। और इधर सब ये माला वगैरह की दुकानें हैं। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ की सुविधा है हमारे जगाधरी के बाज़ार में। और किधर आ जाएगा बर्तनों का बाज़ार, ये सब बर्तनों का बाज़ार है, आपको बर्तन का बाज़ार दिखाते हैं। अब जैसे हम इधर पीछे से ही मतलब खेड़े की तरफ से आए और अब इधर जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है प्रकाश चौक की तरफ और बिल्कुल सीधा जा रहा है पंसारी बाज़ार की तरफ और इधर की साइड जा रहा है सुंदरपुरी हलवाई वाले की तरफ जो कि काफ़ी फेमस है जगाधरी में। वो इधर की साइड जाएंगे, इधर की साइड टर्न होएंगे उसके लिए। ये है अपना चौक बाज़ार, इसको चौक बाज़ार बोलेंगे। और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ पंसारी बाज़ार की तरफ। इधर भी देखो आपको काफ़ी ज़्यादा बर्तन दिखेंगे, काफ़ी ही ज़्यादा। इधर भी देखो स्टॉक वगैरह है काफ़ी होलसेल में, बर्तनों की दुकान है पंसारी बाज़ार में। अब हम यहाँ से पंसारी बाज़ार में एंटर हो चुके हैं। इधर राशन वगैरह की दुकान है, छोटे मतलब ऐसे आई जाती है कपड़े के कभी दुकान, वो इधर आ जाते हैं। राशन राशन की दुकान है पंसारी बाज़ार बोल रहे हैं। देखो बनने वाला है। ये है अपना जिम, ये है
थी मंडी, लेकिन अब काफी ज्यादा लंबी हो गई है, मतलब मंडी इधर भी आगे काफी वृद्धाश्रम भी आएगा इधर, हम लोग भव्य सभी वृद्धाश्रम खा लिए। यहां तक देखो मंडी करती है थोड़ी सी आगे और इधर जा रहा है देखो वृद्धाश्रम का रास्ता, इधर जाएगा वृद्धाश्रम का रास्ता, ऊपर ये मंदिर है ना, ये वृद्धाश्रम का ही मंदिर है। ये यहाँ से हम दिए वगैरह लेते हैं और इधर आ जाएगा शमशान घाट, ये तो मार्केट है नॉर्मल, मोबाइल वगैरह की हो गई है, और इधर आ जाएगा देखो शमशान घाट अंदर होता है, और इधर ये की तरफ मुड़ेंगे, इधर हमें टायर्स वगैरह की जरूरत है।
हम यहाँ पे मटका चौक में, अगर हम यहाँ से इधर टर्न होएंगे तो फिर बटर बाजार, तो फिर वो बटर बाजार आ जाए रोड। अगर हम इधर से टर्न होएंगे इधर तो वो रेलवे रोड आएगा। देखो गंगा कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और अगर हम इधर की तरफ टर्न होएंगे इधर की तरफ, तो इधर एसटी स्कूल वगैरह खुलता और एसटी स्कूल आ जाएगा। हमने जाना है बिल्कुल सीधा। देखो हम आपको लेके जा रहे हैं बच्चे, और तिरंगा देखो कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और हम जा रहे हैं बिल्कुल सीधा वो भी बस स्टैंड की तरफ। होप करती हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी बड़े से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।